हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग, 2 इलायची, 3 से 4 लहसुन की कलियां और थोड़ा घिसा हुआ अदरक डालकर चला लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज और सारी सब्जियों को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें इसे पीसना है। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च और 2 से 3 कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब इसमें कुछ काजू डालेंगे। या 4 पीस काजू भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे लास्ट में ग्राइंड करना है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और फिर से मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे खोलकर देख लेंगे। देखिए, टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसे साइड से रख देंगे और ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। अब हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 4 से 5 उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू कद्दूकस हो गए हैं, अब पनीर को भी कस लेंगे। पनीर भी कस किया है। अब अदरक को कस लेंगे। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया , 2 बड़े चम्मच मैदा
और स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच अरारोट डालेंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये एक सा नहीं हुआ है और पतला भी है, इसलिए हम इसमें दोबारा से अरारोट डालेंगे। अरारोट डालने से बैटर बाइंड हो जाता है। देखिए सारी चीजें अच्छे से मिल गई हैं। अब इसे साइड से रख देंगे। अब कोफ्ते की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में 1/4 कप खोआ, 1 किशमिश, 1 काजू, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिला लेंगे। फिलिंग बन गई है, अब कोफ्ते बनाएंगे। इसके लिए पनीर के डो का छोटा टुकड़ा लेंगे। और फ्लैट कर लेंगे। अब इसमें फिलिंग भरेंगे। और चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। ध्यान रहे इसमें कोई क्रैक नहीं पड़ना चाहिए, वरना फ्राई करते टाइम ये फट सकते हैं, इसलिए हम इन्हें अच्छे से रोल करेंगे। अब कोफ्ते को अरारोट से कोट कर लेंगे। और प्लेट पर रख देंगे। इसी तरीके से बाकी कोफ्ते भी बना लेंगे। आप कोफ्ते को किसी भी शेप में बना सकते हैं। कोफ्ते बन गए हैं। हमने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल भी गर्म हो गया है। अब कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले कोफ्ते को थोड़ा रोल कर लेंगे। अब इसे तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम गैस को धीमी ही रखेंगे। अभी इसे चलाएंगे नहीं, 2 मिनट के बाद ही चलाएंगे। अगर गैस को तेज करेंगे तो कोफ्ते फट सकते हैं, इसलिए हम धीमी गैस पर ही इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए ये हल्के फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे।
तरीके से बाकी कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब हमने जो ग्रेवी की तैयारी की थी वो भी ठंडी हो गई है, अब उसको पीस लेंगे। ये पीस गया है, अब इसे छान लेंगे। मलाई कोफ्ता बनाएंगे। इसके लिए पैन को गरम करेंगे। अब इसमें एक चम्मच मक्खन डालेंगे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालकर चला लेंगे। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। देखिए प्यूरी कितनी स्मूथ बनी है, क्योंकि हमने इसे छान लिया था। अब इसे थोड़ा उबाल लेंगे। इसमें उबाल आ गया है और टमाटर में से भी तेल अलग होने लगा है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब 1/2 कप दूध डालेंगे। ध्यान रहे दूध डालते ही हम जल्दी से इसे मिला लेंगे। आप दूध की जगह क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। देखिए हमें इसे बस इतना ही गाढ़ा रखना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये तैयार है, अब गैस बंद कर देंगे। ध्यान रहे हम ग्रेवी में कोफ्ते नहीं डालेंगे, वरना कोफ्ते फट सकते हैं, इसलिए हम कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी डालकर इसे सर्व करेंगे। मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। आप इसे कटे हुए हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।